नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अभ्यर्थी रीट का इंतजार करते थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और जो मतलब राजस्थान शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीट 2020, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए सही रास्ता खुल गया है। मतलब एग्जाम इसका 2020 में ही 2 अगस्त 2020 को होगी। आप देख सकते हैं राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती 2 अगस्त 2020 को होगी रीट परीक्षा। CM अशोक गहलोत ने कहा होगी 41,000 भर्तियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज ही अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया ये कुछ, और मैं आपको इसको डिटेल से बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षा विभाग में सितंबर में नए व्याख्याता भर्ती के लिए नवीन व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और गहलोत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इसके वर्तमान स्तर में अध्ययनरत छात्र भी नई भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सितंबर में इस परीक्षा के लिए अपनी सहमति प्रदान दी है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में अध्ययनरत लाखों अभ्यर्थियों के हितों के मद्देनजर अगले वर्ष जुलाई से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक स्तर में रिक्त पदों पर व्याख्याता उपलब्ध हो। इसके लिए वर्तमान में चल रही 5,000 पदों की व्याख्याता भर्ती 2018 में आयोजित नियत तिथि पर ही करने के निर्देश दिए हैं। फ्रेंड्स, जी हाँ, कहने का मतलब जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की 3 तारीख से जो स्टार्ट हो रहे हैं 3 जनवरी से, वो फिक्स समय पे ही होगी फ्रेंड्स। और आगे नई वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी निकाली जा रही है, और रीट की भर्ती 31,000 वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये अगस्त 2020 में होगी। बैठक में गहलोत ने निर्देश दिए कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की 31,000 पद भरने के लिए अगले 2 वर्ष 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित की जाए। इससे बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनजाति योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उनमें से 6,080 पद TSV क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। फ्रेंड्स, ये अशोक गहलोत जिन मुख्यमंत्री ने देखिए ट्वीट करके बताया कि 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रथम श्रेणी व्याख्याता 3,000 पदों पर भी सितंबर में भर्ती की जाएगी, और PTA की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। आने वाले दिनों में 40,000 भर्तियों और की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया है। और फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ट्वीट करके बताया, वो मुख्य मेन बात आप देख लीजिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद एवं जो चर्चा के बाद निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन सी? व्याख्याता परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ेगी, सितंबर माह में 3,000 पदों पर नई व्याख्याता भर्ती निकाली जाएगी, और अगस्त में 31,000 पदों पर रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात पक्की हो गई है कि व्याख्याता भर्ती की एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, वो इसी तारीख से स्टार्ट होगी। लेकिन उन्होंने ये रास्ता साफ कर दिया कि आगे 3,000 पदों में, यानी सितंबर माह में 3,000 और नए पदों पर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये उन्होंने इसका रास्ता साफ कर दिया है। फ्रेंड्स, जो भीड़धारी अभ्यर्थी है, जो लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी कि आगे 3,000 पदों पर नई व्याख्याता भर्ती हो रही है। मतलब जो स्टूडेंट अब नहीं बैठ सकते, वो उनको आगे इसकी तैयारी करने का पूरा मौका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप जीके एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके आप कंपिटेटिव एग्जाम से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मॉडल पेपर है, वीडियो है, वो आप इस चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।